सभी साथियों का नमस्कार, मैं मंजीत कोत है। आज खटखट टोल प्लाजा पर बिल्कुल जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। किसान एक साल प्लस बॉर्डर पर बैठे रहे भाई, सड़क पर बैठे रहे और आज का दिन यो इतिहास में लिखा जाएगा। तो आज का दिन प्रधान जी बैठे भाई पिछाड़ में, तो आंधे रंग रंग लाग रहा थोड़ा, देख लियो खटखट टोल प्लाजा ही संयोजक है खेड़ा का, आपके प्रधान है मास्टर जी बैठे हैं, तो आज रंग बिरंगे हो रहे हैं। शायद एक आधा नहीं भी पिछाड़वा फौजी भाई, फौजी नहीं भी पिछाड़वा है, तो पहला कम आइटम आए। तो प्रधान जी सबसे पहला तो जीत की बधाई हो आपने और पूरे किसान योद्धाओं को जीत की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधान जी एक साल तक लंबा संघर्ष चल रहा है, पूरा स्ट्रगल करना पड़ा है, तब जाके यह जीत हासिल करी है, तो की लग है आपने इस जीत का पीछे किसने श्रेय देना चाहो आप? ये इस जीत की श्रेय हमारा जो देश का भाईचारा है, 36 बिरादरी का भाईचारा है, सभी धर्म हैं और सभी मजहब ही हैं। एक 5 साल का बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक, नौजवान, हमारी बहन बेटी, हम सभी को उसका उनका श्रेय जाता है। ये आंदोलन जो जीते हमने, ये श्रेय उनका जाओ है। बाकी शांतिपूर्वक रहा, कुछ दुख भी होए, सुख भी होए, सारे सहन करते रहिए, उन लोगों का श्रेय जाओ है। प्रधान जी आज का दिन देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा बिल्कुल एकजुट एक बंधन में बंध रहा है, तो आज देखा जे पूरा जश्न मना रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, नुकारे मारा छोटा भाई हरियाणा है, हरियाणा ने आज ऐसा काम कर दिया जो सगा भाई भी नहीं कर सकता, लेकिन आज हमें सगा मानना है और इसका राजनीतिक कारण हम दूर रहे हो, लेकिन हम एक हाँ किसी भी सुख दुख में आवा जावांगे, ब्याह शादी में बुलाओगे, इसी बात भी कही पंजाब के लोगों ने। हरियाणा पंजाब पहला भी एक था और ईब तो और मजबूत एक बन गया है, जनता का अपना ही व्यक्ता, जो ये बीच में दरारें आए SYL या और कोई दरारें आई, ये सिर्फ राजनीतिक प्रेरित चीज थी और राजनीति लोगों ने तो चाहिए कोई मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा हो, SYL का मुद्दा हो, भाई कोई RCN का मुद्दा हो, के बोलना उसने NCR का मुद्दा, राजनीति लोगों ने मुद्दे चाहिए, सुलझेड़े नहीं चाहिए राजनीति लोगों ने। और पंजाब हमारा बड़ा भाई है, आराम छोटा, आज उसको विदा कर रहे हैं हम, बड़ी खुशी से मना रहे, 12 महीने हो गया हमने कोई त्यौहार नहीं मनाया, बिल्कुल हमारे बच्चे भूखे प्यासे सोए, काले त्यौहार मनाए, लेकिन आज जो जीत की जश्न खटखट टोल पर मनाई जा रही है, पूरा हरियाणा मनाई जा रही है, हमारा बड़ा भाई पंजाब को विदा कर रहे हैं, शांतिपूर्वक विदा कर रहे हैं, इसलिए इतनी खुशी है हमने, आज खुशी हुई हमने। प्रधान जी जैसे 14 वर्ष बाद श्री राम जी मतलब वनवास काट कर लौटे थे, रावण का वध करके लौटे थे, उसी प्रकार किसान एक साल दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ कर आज जीत का आए हैं, तो उस वाय खुशी जैसे श्री राम का स्वागत करा था, उसी प्रकार आज पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान का स्वागत करा जा रहा है, वाय खुशी है, वाय खुशी है। रामचंद्र जी ने जब पुल बांधा था, रामचंद्र जी जब पूरी पब्लिक थी, पूरी सेना थी, लेकिन एक गुलेरी बोला हम कांटो, गुलेरी कांटो बोला, वह पत्थर ठहरी थी, पत्थर दिखा उसका मुंह में, रामचंद्र जी ने कह दिया अब पुल बन गया, सरकार का ये विश्वास था बस, छत्ती बिरादरी तोड़ गए, धर्म तोड़ गए, हम राज करते रहे, अरे ये काले कर उल्टे नीले, MFC व गारंटी मुकदमे उल्टे नीले, इसलिए हमने जब छत्ती बिरादरी जुड़ गई तभी हमने ऐलान कर दिया था हम जीत गए। कोई इसी प्रकार का वाक्य बना है, कोई कानून आवा है तो मैंने पूरा नो कानून मोर्चा खड़ा रहेगा तैयार है, आगे किसी प्रकार का कोई कानून लेके आओ सरकार जो जनता का हक में नहीं हो, तो नो कानून मोर्चा खड़ा रहेगा तैयार है, मोर्चा जो का त्योनी से भी मजबूत मोर्चा बना के रहेंगे, जो आने वाली नस्ल ये कई भाई मोर्चे बने थे जुगर हम अपने बुजुर्गों ने करे, अंग्रेज भगाए थे, इससे भी मजबूत मोर्चा बनावांगे, जो कि किसानों के खिलाफ कोई भी कानून जाएगा या किसानों की कोई सरकार मदद नहीं करेगी, हम उसके खिलाफ फिर खड़े होंगे दोबारा और दूनी मजबूती से खड़े होंगे। प्रधान जी इस आंदोलन में देखा जाओ जी खटखट टोल प्लाजा का नाम एक अदर स्टेट में नहीं जाकर, देश में नहीं जाकर, विदेशों में भी चल रहा है, तो क्या कारण रहा है इस खटखट टोल प्लाजा की, इसी क्या मजबूती रही है खटखट टोल प्लाजा? ये तो यहाँ 36 बिरादरी के भाई हैं,
सारे धर्म आए, जितने हमारे महापुरुष हैं, किसी भी बिरादरी का भाई हो, जो महापुरुष हो किसी बिरादरी के नहीं होते, हमने उनको सबके जन्मदिन तिथि बनाई है, सब कुछ। एक 36 बिरादरी के भाई ने साथ दिया है, एक शांति का दान था। और सबसे बड़ा सरकारों ने आंदोलन तोड़ने चाहे, लेकिन खटखट टोल पर युवा, हमारी महिला, बेटी, बुजुर्ग, वो एक धारा में रहे, एक आदेश पर रहे और शांति इनको भंग नहीं होने दी। इसलिए खटखट टोल प्लाजा का आप करें नाम आया है, मैं तो धन्यवाद करूँ भाई सारा देश का, प्रदेश का। ये शांति का प्रतीक रहा, ये इसलिए खटखट टोल प्लाजा आया। मास्टर जी राम राम। राम राम जी। ये कहना चाहोगे जो आज ये जीत किसानों ने हासिल करी, ये जीत का पीछे किसका श्रेय है, तो आपका मन के गवाह है भाई मंजीत? सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। बात रही जीत का श्रेय, पूरे हिंदुस्तान की जनता है जो उस, हम चाहे 36 जात में कोई भी, उनको श्रेय देना चाहते हैं, उससे बड़े श्रेय देना चाहते हैं जिन्होंने हरियाणा के अंदर 18 टोल है, उन्होंने बड़ा संयम के साथ यहाँ पर काम किया है। ऊपर 40 लोगों की जो कमेटी थी, उन्होंने संयम का परिचय दिया है, शांति का लोगों को संदेश दिया है, हम उनको इस जीत का श्रेय देना चाहते हैं। बात रहती है अब यहाँ खेड़ा खाप के प्रधान एवं खटखट टोल के संयोजक की, इन्होंने 28 नवंबर 2020 को मैं नेहरा खाप प्रधान होने के नाते दिल्ली मार्च किया था हमने दोनों प्रधानों ने। हम 10 दिन वहाँ लगा के आए थे और वहाँ से आने के पश्चात खटखट टोल को संभाला था प्रधान जी आना श्री सतबीर पहलवान बरसोला जी ने। इन्होंने एक शपथ ली थी कि जो ये काली कोटी है, ये काली कोटी कब उतरेगी, या तो किसान जीतेगा या चार भाई इसको उतारेंगे, यानी इनका कहने का अर्थ था या तो मेरी मृत्यु के ऊपर ये कोटी उतरेगी या किसान जीतेंगे। इस श्रेय के का जो इन्होंने प्रण लिया था, इस प्रण के पीछे इनका आत्मविश्वास, इनका श्रेय, इनकी शांति, उसको हम संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले 14 तारीख को यहाँ पर टिकैत जी आएंगे और टिकैत जी अपने हाथों से इस कोटी को उतारेंगे, साथ में नेहरा खाप अगली कोटी इनको पहनाने का काम करेगी। और उस कोटी के पीछे भी हम प्रधान जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे इस कोटी का उन्होंने प्रण निभाया है, आने वाली जो कोटी मान सम्मान में नेहरा खाप दे रही है इनको, उस कोटी का भी मान सम्मान इस प्रकार से रखे और आने वाला कोई भी आंदोलन है उस आंदोलन में भी इस प्रकार का परिचय देंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। यानी आने वाली 14 तारीख को लगभग 3 या 4 दिन बाद है, तो एक यह पंचायत रखी जाओगी, पंचायत समापन के रूप में यहाँ पर पंचायत होगी, सभी टोलों के आदमी आएंगे और राकेश टिकैत जी आएंगे, युद्धवीर जी आएंगे, अन्य खापों के प्रधान भी यहाँ पर है, प्रधान जी ने उनको भी न्योता दिया गया है, साथ में जन जन यहाँ का जो भी 105 गांव हैं उनके लोग यहाँ पर आएंगे। बड़ा बढ़िया तरीके से यहाँ प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में हम खेड़ा खाप के प्रधान एवं खटखट टोल के जो संयोजक है श्री सतबीर जी को एक कोटी छोटी ही हम भेंट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो उसको स्वीकार करेंगे। देखो भाई मैं भी थोड़ा बताना चाहूँगा इस आंदोलन के चलते हुए, क्योंकि लंबा चलिया है, पता नहीं कितने लोगों ने इसमें नुकया था भाई, मैं यह चीज़ रखूँ जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे, जो ही कानून आए थे इनको काला बताया जा रहा था, लेकिन प्रधान जी की बात बताएं, या कोटी है जो आप देख रहे हो या काली कोटी, या इन्होंने शपथ ली थी कि भाई चाहे तो मेरा मरण में उतर जाएगी, चार भाई तैरस के हैं, या फिर जब ये कानून रद्द होएंगे तब या किसान भाई तारेंगे और नहीं पिरावेंगे, तो यह शपथ ली थी तब उतरेगी। या इब आने वाली 14 तारीख ने राकेश टिकैत जी आएंगे, युद्धवीर जी आएंगे और भी जो बड़े तमाम नेता वो पहुंचेंगे और इसकी या कोटी है या जो शपथ ले रही प्रधान जी ने यह उतारी जाओगी और नई कोटी पिराई जाओगी, तो यह एक बहुत बड़ी खबर है भाई, एक बहुत बड़ा वो है, क्योंकि सर का ताज वह एक पगड़ी हुआ है, वह पगड़ी सर का ताज है जैसे, वह बदली जाओगी और या कोटी यह बदली जाओगी।
तो ताजे है भाई जो सबसे बड़ा है। तो आपने इस वीडियो में अपने विचार देने हैं कि आपका के कुछ मारना खटखट टोल प्लाजा का आज विदेशों में नाम चल रहा है। प्रधान जी ने बताया भाई हमारी एकता का बल दिखा है तो इसीलिए नाम चल रहा है। तो आपने अपने सोच विचार अपने कॉमेंट के जरिए देने हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।